भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के चलते केंद्र सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए सभी चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है, जिसमें टिकटॉक, शेयर एड, जूम के साथ उन 7 ऐप्स शामिल हैं। इन ऐप्स को बैन करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई थी। इससे हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है, जिसकी वजह से अब भारत मेड इन इंडिया कैंपेन को भी आगे बढ़ा रहा है। वहीं आपको बता दें, टिकटॉक के बंद करने के बाद भारत के देसी ऐप चिंगारी की झलक भी दिखाई दी है। दरअसल चिंगारी ऐप भी टिकटॉक की तरह वीडियो डालने और शेयर करने का ऐप है। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद अब तक इसे 5 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप को बनाने वाले डेवलपर्स ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मेड इन इंडिया ऐप की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यूजर्स चाइनीज सोशल ऐप्स को बायकॉट कर रहे हैं। वहीं सरकार के इस निर्णय के बाद चाइनीज कंपनी में काम करने वाले कई हज़ार लोग बेरोजगार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 हज़ार लोग इस 59 कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला। बता दें कि चीनी ऐप्स पर बैन की खबर फैलने के बाद से देसी ऐप चिंगारी को धड़ल्ले से डाउनलोड किया जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।